तो इससे भी डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए मेडिकल इमरजेंसी में ये भी होता है कि जैसे कई बार होता है कि वैक्सीनेशन का आते हैं कि कोई डिजास्टर हो गया तो गवर्नमेंट की इतनी इमरजेंसी है कि फास्ट मेडिकल सर्विसेज के लिए एम्बुलेंस भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो आपको साइट ऑफ ट्रामा या साइट ऑफ इमरजेंसी से हॉस्पिटल जल्दी पहुँचा सकते हैं। ठीक है, कोशिश यही रहती है कि गोल्डन पीरियड का डिजीज का है, ट्रामा का, आर्टिकल इंजरी का, लिम्ब रोटेशन का, उन सबका गोल्डन पीरियड होता है कि उसके अंदर अगर पेशेंट पता चल रहा है हॉस्पिटल में आ जाता है, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो उससे 100% फायदा होता है क्योंकि वो सर्वाइव भी करता है और उसका कोशिश सॉल्व। ठीक है, ये पता ही है क्रिटिकल होती है, इमरजेंसी का मतलब ही होता है आपदा। ठीक है, तो और कितना क्विक रिस्पॉन्स है वहाँ की टीम का, तो बहुत सेंसिटिव यूनिट होती है और हॉस्पिटल एंड इज इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी केसेस। पता ही है कि इमरजेंसी केसेस के लिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, क्विक होती है जो डेड लेंथ से लिखा है वो ध्यान रखना चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्विक होनी चाहिए, क्विक मतलब फास्ट। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स और क्या होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। कॉन्फिडेंट जो होगा कि आप कितना इमरजेंसी में काम कर रहे हो, कितने तरीके के पेशेंट को देख रहे हो, किसी से ये होगा कितने कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, और क्या होनी चाहिए, इमीडिएट सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, इमरजेंसी में डायग्नोसिस करती है, मैंने बताया था ना कि जो भी होना चाहिए होनी चाहिए डायग्नोसिस, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो सी टी हो, चाहे यू एस जी हो। ठीक है, और उसके बाद साथ में उसका पता कर लिया आपने पेशेंट आया था, आपने ये पता कर लिया कि क्या है, क्या करना है, तो क्या करने के लिए रैपिड थेरेपी ओ टी या जो भी है वो। ठीक है, अब इसमें आता क्या है, इंजरी जैसे एक्सीडेंट बता दिया, सडन अटैक ऑफ इलनेस जैसे एम आई हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, बहुत प्रदेश कर गया, सी बी ए में पेशेंट चला गया, ट्रीट हो गई, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे डिसीजन है, रिप्लेस करने लगो तो उसी में टाइम लग जाएगा। लाइफ सेविंग ये सब बातें हो चुकी हैं। ठीक है, आप इसमें राइट टाइम पे मिलनी चाहिए पेशेंट को केयर, सही केयर मिलनी चाहिए जो उसको केयर मिलनी चाहिए और जिस एक्सपर्टीज से मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही सर्जन है